खबर धौलपुर से है, जहां राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 13 निवासी अनिल झा के मकान में दो बदमाश चोरी की नियत से घुस गए और साथ ही इस दौरान घर वालों की नींद खुलने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अनिल की बहन प्रियंका घायल हो गई। इस दौरान बदमाश मौका देकर वहां से फरार हो निकले। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर सभी घर वालों की नींद खुल गई, जिसके बाद परिजनों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार अभी जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गहनता से तलाश कर रही है। एक का डाटा मारा था, एक का नहीं मारा था, तो एक ने उसमें से नीचे से बक्सा निकाला, बक्सा ना उसने उसको पकड़ लिया था। वो पकड़ने के बाद उसके कट्टा निकाल लिया, उसने कट्टा उसके माथे पर रख दिया। माथे रखने के बाद उसने कट्टे को पकड़ लिया, बाहर तक खींचते हुए ले आई उसे। तो सब लोग जगह कट्टा फायर कर दिया, उसने फायर करने के बाद भाग गया, तो पकड़ने की कोशिश की पर भाग गया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।